यूनिट सेकंड हमारी चल रही है और यूनिट सेकंड में हम चैप्टर नंबर 5 का कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 5 के में जो इससे पहले हमने क्या था वो क्या था, सेलों का संयोजन। उसमें हमने सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कर लिया था। आज हम जो हम करेंगे वो करेंगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन। अच्छा टॉपिक है, अच्छे तरीके से देखना। तो शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन, देखना सेलों के समांतर क्रम संयोजन से पहले आपको वो संबंध याद होना चाहिए, एक तो विद्युत वाहक बल, एक टर्मिनल वोल्टता तथा आंतरिक प्रतिरोध में जो संबंध हमने स्थापित किया था वो संबंध आपको पता होना चाहिए। ये संबंध क्या होता है, V बराबर E माइनस आई आर। ये संबंध आपको पता होना चाहिए, जहां V है टर्मिनल वोल्टता और ये जो E है ये है विद्युत वाहक बल, और ये जो I है ये है विद्युत धारा, और जो स्मॉल r है यह है आंतरिक प्रतिरोध। तो E, V तथा R में संबंध होता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। ये संबंध आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इस संबंध से ही वो पूरी कैलकुलेशन अपनी यहाँ पर चलेगी। तो सेलों का हम समांतर क्रम संयोजन कर रहे हैं। तो देखना, ये हमारे पास में सेल है, एक इसका एक पॉजिटिव सिरा है और ये नेगेटिव सिरा, और ये है इसका आंतरिक प्रतिरोध। इस प्रकार से हम सेल का निरूपण करते हैं, एक सेल ये है और एक सेल ये है, ये प्लस और ये इसका माइनस सिरा, और ये आंतरिक प्रतिरोध। इस सेल का विद्युत वाहक बल मान लेते हैं E1, आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं R1। जो दूसरा सेल है इसका विद्युत वाहक बल मान लेते हैं E2, और जो आंतरिक प्रतिरोध है ये मान लेते हैं R2। इसी प्रकार हम आगे और भी सेल जोड़ सकते हैं, और हम पढ़ रहे हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो इनके जो प्रथम सिरे हैं ये एक बिंदु पर जुड़ेंगे, और जो दूसरे सिरे हैं ये एक बिंदु पर जुड़ेंगे। यानी कि जो दूसरे सिरे ये तो किसी एक बिंदु पर जुड़ेंगे और ये किसी अन्य बिंदु पर जुड़ेंगे। यानी कि प्रथम सिरा भी इस बिंदु पर, दूसरा सिरा भी इस बिंदु पर, इसका प्रथम सिरा इस बिंदु पर और इसका प्रथम सिरा इस बिंदु पर, दोनों एक बिंदु पर ये जुड़े हुए हैं, एक बिंदु पर ये जुड़े हुए हैं। इसको बोलते हैं हम समांतर क्रम संयोजन। ये बिंदु हम मान लेते हैं ए है, और इस बिंदु को नाम दे देते हैं बी, और ये जुड़े हुए हैं बाह्य प्रतिरोध से जुड़े हुए हैं। ये बाह्य प्रतिरोध R से जुड़े हुए हैं। अब आप देख सकते हो इस सेल से अलग धारा बहेगी और इस सेल से अलग धारा आएगी। जो इस सेल से धारा आ रही है वह मान लेते हैं I1 है, और इस सेल से जो धारा आ रही है वह मान लेते हैं I2 है। और ये जो I1 I2 यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या है, I है। यानी कि जो I किसके बराबर में है, I1 तथा I2 के। ये जो I लिखा हुआ है यहाँ पर, ये I1 I2 आ रहा है, दोनों इस रास्ते पर आएंगे और ये धारा मान लेते I है। यानी कि I किसके बराबर में होगा, I1 तथा I2 के। ठीक है, अब देखना आपको एक बात यहाँ पर बताई थी, अगर रास्ता चेंज हो रहा है, रास्ता चेंज हो रहा है तो धारा का मान बदलेगा। तो यहाँ पर रास्ता चेंज हो रहा है, एक रास्ता ये है एक रास्ता ये है, धारा का मान बदल गया है यहाँ पर I1 और यहाँ पर I2। अगर बिंदु चेंज हो रहे हैं तब भी विभव का, विभवांतर का मान बदलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिंदु चेंज नहीं हो रहा है, A और B बिंदु के बीच में ही ये सेल स्थित है, A और B बिंदु के बीच में ही ये सेल स्थित है, इसलिए इसका विभव भी V होगा और इसका विभव भी V होगा। विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको ये बात सेलों का संयोजन में भी आपको बताई है अभी, और प्रतिरोधों का संयोजन किया था तब भी बताई गई थी कि अगर रास्ता चेंज हो रहा है, रास्ता अगर चेंज हो रहा है तभी धारा का मान है वो चेंज होगा,
अगर बिंदु चेंज हो रहे हैं तभी विभवांतर का मान चेंज होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो रास्ते चेंज हो रहे हैं, एक रास्ता ये है एक रास्ता ये है, तो धारा बदल गई है, इसकी धारा आई वन इसकी धारा आई टू, ठीक है। बिंदु चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं इसमें बिंदु चेंज, ए और बी के बीच में ही ये सेल है और ए बिंदु बीच में ये सेल है, तो इसका विभव होगा समान, ठीक है। अब हम देखना है वो फॉर्मूले की स्थापना करेंगे जल्दी से, इस प्रकार से करेंगे। ये दो सेल हमने लिए हैं, यहाँ पर आप तीन चार सेल जितने भी सेल आपकी इच्छा उतने सेल लेके ये संयोजन को कर सकते हो। अब देखना प्रथम सेल के लिए, प्रथम सेल के लिए, और याद रखना दो चीज अलग दी हुई है, जैसे कि धारा का मान यहाँ पर अलग अलग है, तो प्रथम सेल के लिए हम आई वन का मान निकालेंगे, और श्रेणीकरण संयोजन के लिए हमें पता है विभव अलग अलग होता है, तो हमने विभव का मान निकाला था। यहाँ पर धारा अलग अलग है तो हम धारा का मान निकालेंगे। फॉर्मूला अपने पास होता है V इक्वल टू ई माइनस आई आर, विभव में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता, V का भी रहने देते हैं। प्रथम सेल है, इसका विद्युत वाहक बल कितना होगा, माना है हमने ई वन, धारा कितनी मानी है आई वन जारी है, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है इसका आर वन है, ठीक है। अब देखना आगे, अगर हम आई वन आर वन करेंगे तो आई वन आर वन इक्वल टू हो जाएगा ई वन माइनस वी, अगर यहाँ से धारा आई वन का मान निकालेंगे तो अपने पास आएगा ई वन माइनस का वी अपॉन आर वन, इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर एक। ये प्रथम सेल के लिए धारा आ गई है, ये जो आई वन है ये आई वन का मान यहाँ पर आ गया है। अब मैं दूसरे सेल के लिए, दूसरे सेल के लिए तो देखना दूसरे सेल के लिए किस प्रकार से करेंगे, फॉर अपने इस पास समीकरण यही रहेगा, तो V इक्वल टू ए टू माइनस आई टू और आर टू, ठीक है, या फिर आई टू आर टू इक्वल टू करेंगे तो अपने पास आएगा ई टू माइनस वी, और यहां से हम किसका मान निकाल लेंगे आई टू का मान निकाल लेंगे आई टू, तो आई टू इक्वल टू करेंगे ई टू माइनस वी, ई टू माइनस वी अपॉन कितना आ जाएगा आर टू, इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर दो। दो सेल लिए थे हमने, दोनों सेलों के लिए धारा हमने निकाल ली है, आई वन का मान निकाल लिया आई टू का मान निकाल लिया। याद रखना जो चीज अलग है उसी का हम मान निकालते हैं, जैसे कि समांतर क्रम संयोजन में विभव का मान अलग अलग था तो हमने वी वन वी टू का मान निकाला था। ये समांतर क्रम संयोजन है, इसमें धारा का मान अलग अलग है तो हम धारा का मान निकालेंगे I1 I2। जैसे श्रेणी क्रम में विभव अलग था विभव निकाला, समांतर क्रम में धारा अलग है तो धारा का मान निकाल लिया है। इसको समीकरण नंबर एक दे दिया और इसको समीकरण नंबर दे दिया दो। अब देखना आगे क्या करेंगे, ये जो परिपथ है इस परिपथ के संगत हम तुल्य परिपथ बनाएंगे, यहाँ पर तुल्य परिपथ बनाएंगे, यानी कि इस ये जो दो सेल लगे हुए हैं दोनों सेलों का काम कोई एक ही सेल ही कर देगा, उसको हम बोलेंगे तुल्य परिपथ। ये है प्लस और यह है माइनस, ये बाह्य प्रतिरोध है और इसका विद्युत वाहक बल कितना होगा ई तुल्य, यानी कि जो ई तुल्य है वो किसके बराबर में होगा ई वन प्लस ई टू के, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो होगा आर तुल्य, यानी कि आर तुल्य बराबर में होगा आर वन तथा आर टू के। और ये जो अब जो दोनों में आई वन आई टू बह रही थी इसमें एक में बहेगी आई, और ये बिंदु किन किन के मध्य स्थित है ए और बी के बीच में स्थित है, यानी कि ए और बी के बीच में दो सेल थे, अब ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही सेल स्थित है जिसको हम बोलेंगे तुल्य परिपथ। ये अपने पास बन गया है तुल्य परिपथ, ठीक है, ये हो गया है अपने पास आई वन और ये हो गया आई टू। अब देखना परिपथ से, परिपथ से हम आई है वो क्या लिख सकते हैं, ये जो आई है ये दो भागों में बट रही है आई वन और आई टू, तो I को हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2, लिख सकते हैं I1 I2, तो I इक्वल टू हम करेंगे I1,
आई वन का मान देखना, ये रहा ए वन माइनस का वी बटे आर वन प्लस आई टू का मान ये रहा दो समीकरण दो से ए टू माइनस का वी बटे आर टू। अब आई इक्वल टू करेंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं ई वन भाग में आर वन माइनस वी भाग में आर वन प्लस ई टू भाग में आर टू माइनस का वी भाग में आर टू। इसको अलग अलग लिख लिया है, ई वन भाग में आर वन माइनस वी भाग में आर वन प्लस ई टू भाग में आर टू माइनस वी भाग में आर टू, वी भाग में आर टू, अलग अलग इसको कर लिया है। तो आई इक्वल टू ई वन बटे आर वन प्लस ई टू बटे आर टू, ई टू बटे आर टू माइनस वी बटे आर वन, वी बटे आर वन माइनस वी बटे आर टू। प्लस की संख्या हमने एक साइड लिख ली है और माइनस की एक साइड लिख ली है। अब इससे आगे देखना, आई इक्वल टू इसका लघुत्तम आ गया है आर वन आर टू, इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं आर वन और आर टू, ऊपर कितना बचेगा ई वन आर टू, ए वन आर टू प्लस आर टू से आर टू कैंसिल, ऊपर बचा है ई टू और नीचे बचा है आर वन, नीचे बचा है आर वन माइनस, इसमें भी वी है और इसमें भी वी है, वी को हमने कॉमन ले लिया है, अंदर बचेगा वन अपॉन आर वन और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन अपॉन आर टू। ठीक है यहां तक, आगे करते हैं आई इक्वल टू ए वन आर टू प्लस ए टू आर वन बटे आर वन आर टू, ठीक है माइनस वी, इसका लघुत्तम कितना आ गया आर वन आर टू लघुत्तम आ गया है, ऊपर क्या बचेगा आर वन प्लस आर टू या फिर आर टू प्लस आर वन। ठीक है यहाँ तक आई इक्वल टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बटे आर वन आर टू माइनस का वी आर वन प्लस आर टू बटे आर वन आर टू। अब देखना आगे, यहां पर है वी, इसको यहां पर लेके आ रहे हैं तो ये वी यहां पर आ गया, यह आर वन प्लस आर टू बटे आर वन आर टू इक्वल टू ए वाली संख्या यहां पर आएगी ए वन आर टू प्लस ए टू आर वन बटे आर वन आर टू और माइनस का कितना आएगा आई, ये जो वी है इसको यहां पर ये यहां पर आ गया है माइनस का तो ये प्लस हो गया, ये प्लस का है ये साइड प्लस का है तो यहां पर आ गया माइनस का, यानी कि वी मेरा वी आर वन प्लस आर टू बटे आर वन आर टू, वी आर वन प्लस आर टू बटे आर वन आर टू बराबर ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन आर टू माइनस का आई। ठीक है यहां तक, अब देखना ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है इस समीकरण को हमको इस रूप के में बनाना है v इक्वल टू ई माइनस आई आर के रूप में, यानी कि यहाँ पर सिर्फ v अकेला होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आर वन प्लस सॉरी आर वन इंटू आर टू बटे आर वन प्लस आर टू से इस समीकरण को गुणा कर देंगे, इस समीकरण को गुणा करने पर ये जो आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू को इस समीकरण से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास में ये समीकरण इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर v बचेगा और ये v है ये हम तुल्य परिपथ से निकाल लेंगे और दोनों की तुलना कर देंगे। ठीक है तो आप फटाफट जब इसका यहाँ तक का स्क्रीनशॉट है वो लेना, फिर इससे आगे का यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, पहले देखना एक बार वो समझते हैं इसको। हम सेलों को समांतर क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं तो समांतर क्रम संयोजन में इसके प्रथम प्रथम सिरे किसी एक बिंदु पर और दूसरा सिरा किसी एक बिंदु पर मिलेगा, तो ऐसे संयोजन को हम बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो ये दो सेल हमने ले लिए हैं, एक सेल ये जिसका विद्युत वाहक बल E1 है और आंतरिक प्रतिरोध R1, ये दूसरा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है और आंतरिक प्रतिरोध है R2। ठीक, इस सेल से धारा बह रही है I1 और इस सेल से धारा आ रही है I2। अब एक सिरा इस बिंदु पर जोड़ दिया है और एक सिरा इसको इस बिंदु पर जोड़ दिया है। ठीक है, ये धारा आ रही है आई, यानी कि जो आई वन आई टू वो किसके बराबर में है, आई के बराबर में है, ये बाह्य प्रतिरोध है आर।
बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया है इसको, बाह्य प्रतिरोध है यहाँ पर आर। अब प्रथम सेल के लिए जो चीज अलग है वो यहाँ पर निकालेंगे, अलग है यहाँ पर धारा आई, तो हमें यहाँ पर धारा आई ही निकालनी है जो अलग चीज है, क्योंकि यहाँ पर आई वन आई टू धारा अलग अलग है, विभव समान है, इसलिए धारा आई वन का मान निकालेंगे, जबकि श्रेणी क्रम में विभव अलग था, विभव का मान निकाला था, समांतर क्रम में धारा अलग है, धारा का मान निकालेंगे। समीकरण हमें पता है v इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये समीकरण है, ई वी तथा आर में संबंध है, जो हमने इससे पहले का जो वीडियो आया था उसमें हमने इस संबंध को कर लिया था, v इक्वल टू ई वन माइनस आई आर वन, यहाँ से आई वन आर वन इक्वल टू करेंगे ई वन माइनस वी, तो और आई वन करेंगे ई वन माइनस वी अपॉन आर वन, समीकरण नंबर दो। इसी प्रकार आई टू इक्वल टू हो गया ई टू माइनस वी अपॉन आर टू, समीकरण नंबर दो, ये समीकरण एक हो गया, ये समीकरण दो हो गया। अब परिपथ, ये रहा परिपथ, परिपथ से आई है वो आई वन और आई टू के बराबर में है, तो आई इक्वल टू हो गया आई वन प्लस आई टू, और आई वन आई टू का मान समीकरण एक व दो से है, तो समीकरण एक व दो से आई वन और आई टू का मान रख दिया है, और हमारे पास में समीकरण यहाँ तक हमने कर लिया है, और ये इसके तुल्य परिपथ हमने बनाया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण है इसको आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू से गुणा करेंगे इस रूप का बनाने के लिए। तो अब देखना गुणा करते हैं, पहले आप ये जो यहाँ पर है इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले लेना, फिर हम इससे आगे का यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ये रहा समीकरण, इसको इससे हम गुणा कर रहे हैं, तो ये रहा v, ये लिख दिया है v r1 प्लस r2, r1 प्लस r2 बटे r1 r2, r1 r2, ठीक है, गुणा किससे कर रहे हैं, इससे गुणा कर रहे हैं r1 r2 बटे r1 प्लस r2, कर दी गुणा बराबर, ये बराबर का चिन्ह लगाया है, ई वन आर टू प्लस प्लस ई टू आर वन बटा आर वन आर टू गुणा किससे करनी है, आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू माइनस माइनस आई, गुणा किससे कर रहे हैं, आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू, ये हमने गुणा कर दिया। अब देखना आर वन आर टू, आर वन आर टू से आर वन आर टू कैंसिल, आर वन प्लस आर टू से आर वन प्लस आर टू कैंसिल, आर वन आर टू से आर वन आर टू कैंसिल, हमारे पास में v बराबर कितना बचा है, ई वन आर टू प्लस ए टू आर वन बटे आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू माइनस का आई, आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू, और समीकरण दो तक हो गए थे, इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर तीन। ये देखना वी है, वी है इस रूप का, ये समीकरण यहाँ पर हमने बना लिया। अब आगे देखना तुल्य परिपथ से, तुल्य परिपथ से, तुल्य परिपथ से v इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, e तुल्य माइनस का i r तुल्य, ये समीकरण चार से हम सॉरी ये तुल्य परिपथ से लिख सकते हैं, समीकरण हमारे पास v इक्वल टू ये माइनस आई आर होता है, तो v इक्वल टू e तुल्य माइनस i, ये रहा i, r तुल्य r तुल्य, ये हमने तुल्य परिपथ से लिख दिया है। अब तीन व चार की हम तुलना करेंगे, समीकरण तीन व चार की तुलना करने पर, तुलना करने पर समीकरण तीन व चार की तुलना करेंगे, तो देखना ई तुल्य, ये जो ई तुल्य है ये किसके बराबर में आएगा, इसके बराबर में, यानी कि ई तुल्य है वो अपना किसके बराबर में आएगा, e1 r2 प्लस e2 r1 बटे r1 प्लस r2,
टू, ये आई है, ये रहा आई, आर तुल्य का मान ये रहा, और आर तुल्य इक्वल टू कितना आएगा, आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू। तो जो समांतर क्रम संयोजन के लिए जो कुल विद्युत वाहक बल है वो आएगा ई तुल्य इक्वल टू ए वन आर टू प्लस ई टू आर वन प्लस आर टू, और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आएगा आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू। ये अपने पास ई तुल्य और आर तुल्य के मान आएंगे। अगर हम इस बाह्य प्रतिरोध आर में प्रवाहित धारा का मान निकालना चाहें तो देखना किस प्रकार से निकालेंगे। समीकरण तीन से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ये जो V है इसकी जगह IR रख देंगे बस। यानी कि अब निकालेंगे बाह्य परिपथ R में प्रवाहित धारा, तो ये जो V है इसकी जगह हमने रख दिया है IR। ओम का नियम होता है V इक्वल टू IR, तो धारा का मान आ जाएगा IR इक्वल टू, ये समीकरण लिखो ऐसा वैसा, आई वन सॉरी ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बटे आर वन प्लस आर टू माइनस माइनस आई आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू आर वन प्लस आर टू। ठीक है, लिख दिया है। अब आई आर प्लस, ये माइनस का ही साइड जाते प्लस का हो गया है, आई आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए वन आर टू प्लस ए टू आर वन बटे आर वन प्लस आर टू। इसमें आई कॉमन आ रहा है, आई को हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा आर प्लस आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू बराबर ए वन आर टू प्लस ए टू आर वन बटे आर वन प्लस आर टू। अब देखना आई इक्वल टू, इसका लघुत्तम कितना आ गया, आर वन प्लस आर टू इसका लघुत्तम आ गया है, बड़े वाले कोष्टक में लिख देते हैं। तो ऊपर कितना बचेगा, आर आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन आर टू बराबर ए वन आर टू प्लस ए टू आर वन बटे आर वन प्लस आर टू। इस द्वारा आई का मान हम निकाल रहे हैं, तो आई इक्वल टू करेंगे तो ए वन आर टू प्लस ए टू आर वन बटे, ये आर वन प्लस आर टू से आर वन प्लस आर टू कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास में बचेगा आर आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन आर टू, इतना हमारे पास में बचेगा। तो यह हमारे पास में बाह्य प्रतिरोध आर में प्रवाहित धारा का व्यंजक आ जाएगा। तो ऐसे संयोजन को हम बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें जो कुल विद्युत वाहक बल है उसका फॉर्मूला यह आएगा, जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है उसका फॉर्मूला यह आएगा, और जो बाह्य प्रतिरोध आर में जो कुल प्रवाहित धारा है उसका फॉर्मूला ही आ जाएगा। तो यह अपना टॉपिक खत्म हो गया है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। इससे पहले हमने सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन भी किया था, तो ये टॉपिक अच्छा सा टॉपिक था। इस टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से एक बार घर पे और निकाल के देख लेना है, ताकि आपको ये अच्छे से और समझ में आ जाए।